दोस्तों ये वीडियो शूट हो रही है OnePlus Nord CE 4 के फ्रंट कैमरा से 1080p और 30fps में। और ये दोस्तों मैं सन के अगेंस्ट में हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह का फेस पर ग्लो आ रहा है। ये दोस्तों विदाउट स्टेबिलिटी मैं ले रहा हूँ वीडियो, ये बिना स्टेबिलिटी की है। और पीछे मेरे सन है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर किस तरह से ये बैलेंस कर रहा है। और दोस्तों आप कॉमेंट में बताइएगा कि किस तरह का फ्रंट कैमरा आपको वीडियो लगा। और अभी फटाफट से देखते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ कैसा हमें फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस मिलता है। ये दोस्तों फ्रंट कैमरा से हो रहा है विथ स्टेबिलिटी ऑन, और स्टेबिलिटी ऑन करने से दोस्तों थोड़ा जो वीडियो है वो क्रॉप हो जाता है और हमें EIS मिलता है फ्रंट कैमरा में। और ये भी दोस्तों 1080p 30fps पर ये वीडियो शूट हो रही है। और डायनेमिक रेंज दोस्तों मैं कहूँगा ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। कलर्स भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है बजट के हिसाब से। आप दोस्तों कमेंट करिए कि फ्रंट कैमरा आप लोगों को कैसा लगा। आइए बैक कैमरा के पिक्चर सैंपल्स देखते हैं और वीडियो सैंपल्स देखते हैं कि OnePlus Nord CE के बैक कैमरा से कैसा कुछ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये मेरा OnePlus Nord CE 4 है और अभी मैं आउटडोर्स में आया हूँ इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो फ्रंट कैमरा के सैंपल्स तो आप लोगों ने देख लिए है, अभी दोस्तों मैं इसका बैक कैमरा का सैंपल टेस्ट करने वाला हूँ अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल लेंस से। और आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मुझे इसका कंपैरिजन नथिंग फोन 2 से करना चाहिए नहीं। और प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों OnePlus Nord CE 4 के बैक कैमरा से वीडियो शूट हो रही है और मुझे दोस्तों ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं महसूस हो रहा है। आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि बैक कैमरा कैसा है। और डायनेमिक रेंज भी दोस्तों उतना कोई खास मुझे अभी तक तो नहीं लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और इसमें हमें लाइट 600 सेंसर मिलता है सोनी का, जो नया सेंसर लॉन्च हुआ है बजट फ़ोन्स के लिए। और अगेंस्ट दी सन दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह का डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस है। और ये दोस्तों 1080p 30fps पर शूट हो रहा है विदाउट स्टेबिलिटी। अब फटाफट से देखते हैं दोस्तों स्टेबिलिटी के साथ हमें किस तरह का कैमरा परफॉर्मेंस मिलता है। दोस्तों अभी 60fps 1080p पर शूट हो रहा है और विथ स्टेबिलिटी मैंने ऑन कर दिया है OnePlus Nord CE 4 में। और आप दोस्तों ज़रूर से कमेंट करिएगा, मुझे दोस्तों थोड़े डिटेल्स की कमी महसूस हो रही है। आप ज़रूर से कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपको बैक कैमरा का जो कैमरा सैंपल है वो किस तरह का लगा, और मुझे थोड़ा डिटेल्स की कमी लग रही है। ये वीडियो दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा से शूट हो रही है OnePlus Nord CE 4 की, और हमें 8 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं इस अल्ट्रा वाइड कैमरा से, मेरे हिसाब से दोस्तों एवरेज अल्ट्रा वाइड कैमरा है। आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैमरा सैंपल कैसा लगा। तो जैसा कि दोस्तों फोटोज़ और वीडियो सैंपल आप देख के समझ ही गए होंगे कि OnePlus ने ठीक काम किया है कैमरा के साथ OnePlus Nord CE में, लेकिन दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी OnePlus ने ऐसा कुछ कर नहीं दिया है। अगर आप फोटोज़ की भी बात करें वीडियोज़ की भी बात करें, अच्छी आती है OnePlus Nord CE 4 से, लेकिन एक जो होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटो या फिर वीडियो ये फ़ोन निकाल के देगा, ऐसा आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक दो फोटोज़ की बात करूँ, तो जैसा कि दोस्तों अगर आप इस फोटो को देखें, इसमें आप देख सकते हैं हरियाली बढ़िया है, उसके बाद बैकग्राउंड में भी सब कुछ बढ़िया अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, और HDR भी दोस्तों लगभग ठीक है, बेहतर है। लेकिन दोस्तों कलर्स भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन
आपको शायद से थोड़ा इसको कलर बूस्ट करना पड़ सकता है एडिटिंग में। और अल्ट्रा वाइड में अगर आप देखें दोस्तों, अल्ट्रा वाइड में डिटेल्स वगैरह बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब दोस्तों आप इस फोटो को देखेंगे, इस फोटो में क्या हो जाता है, बिकॉज अगेंस्ट दी सन, हम सभी को पता है बहुत सारे फोन्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो इस फोटो में अगेंस्ट दी सन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें थोड़ा आपको डायनेमिक रेंज का प्रॉब्लम दिखेगा। और सेम केस दोस्तों मेन कैमरा के साथ भी हो जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं थोड़ा जो कलर्स है, हरियाली जो है वो थोड़ी बहुत फीकी फीकी लग रही है। और आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि क्या ये सभी जो मैंने फोटो सैंपल वगैरह दिखाए, वीडियो सैंपल दिखाए, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर किया जा सकता था, या कि फिर प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक काम OnePlus ने किया है। अगर दोस्तों सेल्फी की बात करें तो सेल्फी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ कहने को लायक है नहीं। सभी फोन्स में दोस्तों ऐसे ही हम सभी को सेल्फी कैमराज मिलते हैं, चाहे आप 20,000, 30,000 या 40,000 के फ़ोन की बात करें, ऑलमोस्ट सेल्फी कैमरा जो है वो सभी फोन्स में सिमिलर होती है। डिटेल वगैरह ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे कैमरा सेटअप OnePlus Nord CE4 का अच्छा लगा है। ऐसा बात नहीं कि बहुत ही घटिया कैमरा सेटअप है, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन OnePlus ने कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं बनाया है, ये दोस्तों प्योरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है। हमें इसमें जो प्रोसेसर मिलता है बहुत ही बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से अगर आप नथिंग फोन 2A के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। उसके बाद अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड है। तो उस सभी को देखकर दोस्तों अगर कहा जाए तो कैमरा सेटअप अच्छा है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ही अच्छे फोटोज OnePlus Nord CE4 से खींच सकते हैं। OnePlus ने भी ऐसा सोच के फोन को लॉन्च नहीं किया था, फोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर है तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord CE के कैमरा सेटअप से खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि OnePlus Nord CE4 का कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तब दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहूँगा। कैमरा अच्छा है और इस प्राइस रेंज में दोस्तों, चाहे नथिंग फोन 2A की बात कर ले या Redmi वगैरह की बात कर ले, Realme की बात कर ले, ऑलमोस्ट दोस्तों ऐसे ही पिक्चर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। एक सलाह मैं दोस्तों OnePlus को ये देना चाहूँगा कि अपडेट के बाद थोड़ा ये लोग HDR में काम करें, HDR थोड़ा ठीक हो सकता है। और स्पेशली जो कलर पंचीनेस है वो थोड़ी थोड़ी सेचुरेटेड होनी चाहिए थी, बिकॉज ज़्यादा ही जो हरियाली है वो थोड़ी बहुत डल लगती है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो प्राइस के हिसाब से कैमरा मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन आप दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको कैसा कैमरा लगा और क्या आप ये फोन लेना पसंद करेंगे या फिर वन प्लस लेना पसंद करेंगे, या फिर नथिंग फोन 2A लेना पसंद करेंगे, या फिर S21 FE का कैमरा आपको ज्यादा पसंद है। सभी के दोस्तों मैंने कंपैरिजन वगैरह करके रखे हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में लगा तो जय हिंद, वंदे मातरम।